हेलो टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज जितिन कुमार। वेलकम टू एग्जाम फॉर कलम से क्रांति। सपनों की शानदार सी दुनिया में आप सारे प्यारे विद्यार्थियों का, भाइयों का और बहनों का स्वागत है। मैं जितिन कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विज मास्टर बाय एग्जामपुर पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी साथी? एक बार जल्दी से जल्दी सभी साथी लाइव आ जाइए भाई, क्योंकि आज हम लोग करने जा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही प्यारा सा मॉक। तो साथियों जय हिंद सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आदर डाल दो इस जय हिंद की, क्योंकि तुम लोग एक दिन ज़रूर जय हिंद करोगे, क्योंकि पुलिस में आप लोगों को जय हिंद का मतलब आप समझते हो कि वैसे जैसे हम लोग कह लेते हैं हेलो हाय, तो वैसे ही आप लोग भी जय हिंद बोला करोगे, है ना। तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी साथी सेशन को शेयर कर दीजिए जितने भी साथी हैं भाई, है ना। चलो चलो चलो, एक बार जल्दी से जल्दी सभी साथी सेशन को शेयर कर दीजिए और सभी साथी लाइव आ जाइए भाई। ये समय आपका जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कॉपी पेन लेकर बैठ जाना यार, मतलब तुम लोग बिल्कुल ही कॉपी पेन लेकर नहीं बैठते हो, फिर बाद में और रजाई से पैर बाहर निकाल लो चुपचाप। बहुत हो गया तुम्हारा मजाक, ठीक है। एक बार सेशन को शेयर कर दो, मैं भी सेशन को शेयर कर देता हूँ, ठीक है, डन। चलो ठीक है, आ जाओ जरा ध्यान से, डन 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 डन। नमस्कार नमस्कार, राम 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 राम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है बॉबी जी, जितने भी साथी हैं सभी साथी एक बार लाइव आ जाओ भाई। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जाओ। कतई मतलब हद काट रखी इन लोगों ने। आओ इधर देखो, देखो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो साथियों रोज सुबह 10 बजे क्लास होती है, तो 10 बजे अपने आप ही आ जाया करो जल्दी से जल्दी भाई, ठीक है। चलिए गुड मॉर्निंग राम राम, आ जाओ। ध्यान से देखो, सबसे पहले जिस भी बच्चे ने परचम बैच नहीं लिया है वो परचम बैच को परचेस कर सकता है भाई, बहुत ही बेहतरीन बैच है। मतलब अच्छा खासा इसमें डिस्काउंट भी मिल रहा है, सारे फीचर्स हैं, लाइव क्लासेस हैं, डाउट सेशन है, वीकली टेस्ट भी हैं, आप लोगों के पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड होंगे और हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, पूजा जी, आरती वर्मा, चलो आगे आ जाओ। परचम बैच में बाबू अगर आप लोगों को चाहिए तो कॉम्बो बैच भी चल रहा है, एक 1170 रुपये का है सुपर कॉम्बो। यहाँ पर अगर यहाँ पर आप लोग JITIN10 कूपन कोड लगाओगे, JITIN10 कूपन कोड लगाओगे तो आपको बाबू इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट, मतलब लगभग 117 रुपये ऑफ हो जाएंगे आपके। तो आप मानो कि लगभग मतलब 1000 रुपये का ही पड़ेगा लगभग, है ना। चलो गुड मॉर्निंग आरती जी। जितिन सर की स्वीटी, अच्छा पता नहीं कौन है ये गुड़िया, लेकिन जो भी है अच्छा है। आ जाओ, ये है कुछ 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट बाबू आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट अगर लगाओगे, ठीक है पूजा जी। चलिए क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। आज आज संख्या कम है भाई, संख्या बढ़ानी है, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन तुम ही बढ़ाओगे। लेकिन साथियों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जल्दी से जल्दी। पहला ही क्वेश्चन बेहतरीन है, लेकिन अभी नहीं दूंगा क्योंकि तुम लोगों की संख्या कम है। आओ बढ़ाओ संख्या भाई साहब जल्दी से जल्दी, जितने भी साथी हैं आंसर करते चले जाओ। बोला हुआ है क्या, पहला ही क्वेश्चन है स्लॉक्स का, जल्दी से जल्दी आ जाइए। सर पहले गुड मॉर्निंग एक्सेप्ट करो तभी हम पढ़ेंगे। अच्छा आरती जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी साथियों को मेरा जय हिंद। बाबू इतना सब बोल देता हूं मैं, मतलब तुम लोगों को कतई हद काट रहे हो तुम, है और क्या चाहिए तुम लोगों को, मतलब चीर के रख दें क्या खुद को, जैसे हनुमान जी ने चीर के रख दिया था भाई साहब, राम और सीता जी की तस्वीर आ गई थी, वैसे ही मेरे लिए तुम हो ऐसा समझो। चलो आइए है ना, मतलब कुछ भी साथियों, अभी समय हो गया पढ़ने का, पढ़िए आइए आइए। पहला क्वेश्चन है कुछ क्लर्क टाइपिस्ट हैं, बना लो जल्दी से जल्दी जी। कुछ क्लर्क, इसको दो तरीके से करेंगे, कुछ क्लर्क जो हैं, अच्छा सभी क्लर्क जी, सभी क्लर्क जो हैं वो टाइपिस्ट हैं, आगे कुछ टाइपिस्ट स्टेनो हैं। डायग्राम कुछ यही बनेगा, इसके अलग तो कोई बनेगा नहीं। अच्छा स्टेटमेंट कैसे हैं बेटा, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव देंगे, ये निगेटिव वाला चेक ही मत करना। कुछ स्टेनो क्लर्क हैं, देखो स्टेनो और क्लर्क का कोई भी संबंध नहीं है ना, डायग्राम टच नहीं हो रहे, कांट से गलत हो गया। सभी टाइपिस्ट क्लर्क हैं बाबू, सभी टाइपिस्ट क्लर्क नहीं है, कुछ टाइपिस्ट क्लर्क है। मैंने बताया था आप अंदर से बाहर जा सकते हो, बाहर से अंदर आने के लिए परमिशन चाहिए, सभी टाइपिस्ट क्लर्क है ये गलत हो जाएगा। आगे सभी क्लर्क स्टेनो है, डायग्राम टच नहीं हो रहे, गलत हो जाएगा, है ना।
ठीक है, ठीक है। अब यहां पर इस बात को समझना है कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव भाई साहब, इसमें क्या हो रहा है, कर्ता और विधेय सेम है। कर्ता और विधेय क्या है बाबू, सेम है। कर्ता और विधेय क्या है, सेम है। एक मिनट पहले शेयर कर दो। हाँ सर, एक मिनट पहले शेयर कर दिया करो। अच्छा ठीक है बाबू, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, नलायक को डी नहीं होगा, गलत आंसर कर रहे हो। तभी तो तुम लोगों के लिए सेशन लाया हूं ये जान पूछ के। बेहतरीन है बाबू, बेहतरीन, एक नंबर सेशन है बच्चे। देखो जरा ध्यान से, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रेडिकेट सेम है दोनों, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, दोनों के दोनों गलत हैं, तीनों कंडीशन अप्लाई हो गई, इसका आंसर होगा या तो पहला या तो दूसरा, निष्कर्ष अनुसरण करता है। आइदर और वाला केस लग गया, आइदर और वाला, आइदर और वाला केस लग गया, आइदर और, आइदर फर्स्ट फॉलोज आइदर सेकंड फॉलोज, बोलो हाँ या ना। ठीक है, ए हो गया, ए अनु, ए हो गया। ठीक है अंकित, ए विल बी द राइट आंसर। थोड़ा सा ध्यान रखनो, थोड़ा सा ध्यान रख लो, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रेडिकेट बोथ आर सेम। क्या लग गया, आइदर फर्स्ट आइदर सेकंड फॉलोज। ठीक है अंकित, बढ़िया अंकित, शाबाश। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। लीजिए क्वेश्चन करेंगे, लो एफ जी, ई एफ जी एच को जे 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 लिखा जाता है, ई एफ जी एच को जे 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 लिखा जाता है। चलो बताओ क्या आएगा आंसर, ई एफ जी एच को जे 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 लिखा जाता है। आंसर करेंगे सभी साथी एक बार। डन, ई एफ जी एच को जे 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 लिखा जाता है। चलो आंसर करो, सुनील बाबू एक यार, आज तुम्हें क्या ही हो गया, हद काट रहे हो साथियों, सेशन को शेयर करो यार, ऐसे मजा नहीं आएगा भाई। अनु राजा, अनु मेरे बच्चे पढ़ते रहे मेरे बाबू। चलो, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, जीतने का अगर जुनून हो तो परिस्थितियां कभी हरा नहीं सकती, परिस्थितियां कभी हरा नहीं सकती। आज बच्चे कम है, ठंड का माहौल है, मैं मान रहा हूं, लेकिन साथियों मुझे नहीं पता, कुछ भी करो सेशन को शेयर करना, ठीक है। आंसर करते चले जाओ जल्दी से जल्दी। चलो देखो यहां पर क्या हो रहा है, प्लस का फाइव, कितना हो रहा है बाबू, प्लस का फाइव, यहां हो रहा है प्लस का फोर, आगे देखो प्लस का थ्री, और लास्ट में हो रहा है प्लस का टू, ठीक है। तो तुम भी क्या काम करो, प्लस का वन प्लस का टू, वो ही है प्लस का फाइव प्लस का फोर प्लस का थ्री और प्लस का टू। तो यहां से ए प्लस फाइव करोगे कितना आ जाएगा, एफ, तो यहां से ये वाला ऑप्शन कटा। एम एन प्लस टू करोगे तो ओ पी आ जाएगा, लास्ट में पी आ जाएगा, तो आंसर केवल एक ही होगा, लास्ट का चेक करने की जरूरत है नहीं, है ना, लास्ट का चेक करने की जरूरत है नहीं, ठीक है बाबू, लास्ट का चेक करने की जरूरत है नहीं। डन, चलो ठीक है, चलिए चलिए चलिए, डन डन। ओ सी बालो, शर्म करो शर्म, एफ 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 एफ, दिमाग सही है तुम्हारा बाबू, पांच चार तीन दो हो रहा है तो पांच चार तीन दो करो, इसीलिए गलत आंसर कर रहे हैं नालायक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ, चलो आ जाओ जरा देखो ध्यान से। लीजिए जेड डब्ल्यू एस एन, फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क, फिर लिखा हुआ है क्या, जल्दी से आइए, क्या आएगा आंसर, डी, ओके चलो आंसर करो, ठीक है आंसर करते चलेंगे सभी साथी। टाइमर दे रहा हूं तुम लोगों को, लो टाइमर दे रहा हूं, टाइमर, आंसर करो, चलिए आंसर करिए जल्दी से जल्दी। डन, लो देखो जरा ध्यान से, यहां जेड की पोजीशन है 26, डब्ल्यू की पोजीशन है 23, एस की पोजीशन होती है 19, एन की पोजीशन होती है 14, यहां आएगा क्वेश्चन मार्क, यहां एक, बेसिकली हो क्या रहा है, माइनस का तीन, माइनस का चार, माइनस का पांच, अब माइनस का होगा कितना, छः, जब माइनस का छः होगा तो 14 माइनस का छः हो जाएगा 8, और 8 में से यहां पर 7 होता तो आ जाएगा 8, और 8 पोजीशन होती है एच की। आंसर क्या हो गया बाबू, सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एच। ओ करण कुमार, करण जी बहुत तेज, मतलब कोनी पड़ जाएगी, ठंडा सा वैसी हो रहा है, बहुत मतलब नाक जो है लाल लाल सी हो जाएगी, मैं मान रहा हूं कि आंसर कर रहे हो लेकिन गलत नहीं करना है ना, गलत आंसर कर रहा नालायक, ठीक है बाबू, बी नहीं होगा, पी जो सी है थर्ड ऑप्शन पर वो सही होगा। आगे आ जाओ,
बी सी ई एफ कॉमा आई कॉमा क्या लिखा हुआ है फिर आगे आई, जल्दी से बताओ, एल एल होगा ये, एल जल्दी से आंसर करेंगे, एल है ये, क्या है साथियों, एल आंसर करो, क्या आएगा आंसर, दो क्वेश्चन मार्क हैं, दो के आंसर बताने हैं, आंसर करेंगे सभी साथी एक बार। ओके डन, तो यहां से मैंने बोला बी कितने पर आता है, दो पर, सी कितने पर आता है, तीन पर, ई कितने पर आ रहा है, पांच पर, एफ कितने पर आ रहा है, छह पर, है ना, कितने पर आ रहा है, छह पर, तो हो क्या रहा है बेसिकली अगर देखोगे, ठीक है, तो यहां पर कितने का हो रहा है, प्लस का वन हो रहा है, कितने का हो रहा है, प्लस का वन, और यहां पर हो रहा है प्लस का टू, यहां हो रहा है प्लस का वन, आगे होगा बाबू ये कॉन्सेप्ट हो रहा है प्लस वन प्लस टू, प्लस वन प्लस टू, आगे होगा प्लस का टू, तो यहां पर हो जाएगा आठ, फिर हो रहा है यहां पर क्योंकि आई लिखा हुआ है नौ नंबर पर तो प्लस का वन है, फिर आगे साथियों का प्लस का टू तो कितना हो जाएगा ये ग्यारह, और यहां पर हो जाएगा प्लस का वन तो ये आ रहा है बारह, है ना, तो बेसिकली अगर देखो यहां पर आएगा आठ और यहां आएगा ग्यारह, आठ की पोजीशन क्या होती है साथियों जल्दी से बताओ, बोलो सर एच, और ग्यारह की पोजीशन क्या होती है, बोलो सर के, तो एच के इसका आंसर हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर, ए इसका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डन, ए इसका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइयो, 11 को 121 लिखा जाता है, एक 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 को क्या लिखा जाएगा, एक 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 को क्या लिखा जाएगा, आंसर करो, एक 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 को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से आंसर करेंगे सभी साथी, प्रणाम 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 भाई साहब, तुम लोगों की संख्या देख के मतलब मेरा जो दिल है वो गदगद हो चुका है, बहुत अच्छी संख्या में आप लोग हैं, एक बार सभी साथी यार प्रॉमिस करो, साथी सभी साथी प्लीज कैसे भी करके सेशन को शेयर कीजिए, जितने भी साथी हैं व्हाट्सएप फेसबुक टेलीग्राम इंस्टाग्राम जहां जहां डाल सकते हो वहां वहां डालिए, 11 को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है तो 121 को क्या लिखा जाएगा, आंसर करेंगे सभी साथी, डन, आंसर क्या होगा भाई, हाँ ठीक है, एक दो तीन और दो एक इसका आंसर हो जाएगा, क्यों देखो यहां पर इसका वर्ग लिखा हुआ है, तो 111 का वर्ग कैसे याद करोगे, 11 में एक खासियत होती है कि जितनी बार एक एक लिखा है उतना आगे चलते चले जाओ, एक दो फिर एक कम कर दो, जैसे मैंने बोला 111 का वर्ग लिखना है तो साथियों कितनी बार लिखा है, तीन बार, तो एक दो तीन और फिर तीन से उल्टा आ जाओ दो एक, मैंने बोला अगर मैं 1111 का वर्ग निकालूं तो कितनी बार लिखा है, चार बार, एक दो तीन चार और साथियों फिर तीन दो एक, ये इसकी खासियत होती है। चलो जल्दी से बताओ, एक दो तीन चार पांच इसका वर्ग बताओ जल्दी से क्या होगा, इसका वर्ग बताइए क्या होगा, जल्दी से बताओ, 11111 का वर्ग क्या होगा, 11111 का वर्ग क्या होगा, सर रेलवे ग्रुप डी की क्लास क्यों नहीं चल रही है एप्लीकेशन पर, चल जाएंगी बाबू जैसा भी होगा आप, मैं कमेंट में आंसर कर देना, मैं कमेंट में एक बार बता देना ऑफलाइन कमेंट में, देन आई विल गिव यू रिप्लाई, अभी ग्रुप डी के लिए क्या हो रहा है भाई, दिखवा देना भाई, है ना, ठीक है, चलो और बताओ, दिखवा दिया जाएगा, पर टेंशन ना लो, ठीक है सैनी जी, परेशान ना हो, चलो देखो, तो मैंने बाबू अगर देखा एक दो तीन चार पांच फिर चार तीन दो एक हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, चलो आगे आ जाओ, पत्तियां पत्तियां सरसराहट करती हैं, तो भाई साहब आगे क्या आएगा, बरसा झंझनाहट टायर छंछनाहट, टायर तो छंछनाहट नहीं करते हैं, पायल जरूर छंछनाती हैं, और बादल आपका गड़गड़ाहट या बर्फ बूंदा बांदी, भाई साहब क्या इसका आंसर होगा, पत्तियां अगर सरसराहट करती हैं तो भाई साहब बिल्कुल इससे रिलेट क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए क्या आएगा, जल्दी से जल्दी, चलो तो मेरे चीतों बादल गड़गड़ाते हैं, बादल क्या करते हैं, गड़गड़ाते हैं, बादल इसका आंसर हो जाएगा, बादल इसका आंसर हो जाएगा, बादल जो है वो गड़गड़ाते हैं, बादल क्या करते हैं, गड़गड़ाते हैं, बादल क्या करते हैं, गड़गड़ाते हैं, ठीक है, आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, लो लो यहां से आंसर करो, आंसर करो जल्दी से जल्दी, आंसर कीजिए,
डन। चलो देखो जरा ध्यान से। डन 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 डन। चलिए देखो जरा ध्यान से साथियों, ऐसे क्वेश्चन में या तो ये देखा करो कि कौन सा किससे डिवाइड हो रहा है, कौन सा किससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, या फिर देखा करो कि भाई इनका योग कितना हो रहा है, या तो फिर इनका योग कितना हो रहा है ना, या तो इनका योग कितना हो रहा है। डन। तो यहां से अगर मैं बोलता हूं कि इनको अगर ऐड करके देखो तो कितना हो रहा है, आठ और आठ सोलह। अच्छा जी, इनको ऐड करके देखो आठ चार बारह, इनको ऐड करके देखो, इनको ऐड करके देखो बारह बारह, इनको ऐड करके देखो चार और चार आठ, बट अगर नीचे वालों को ऐड करोगे तो योग आ रहा है तेरह। कितना आ रहा है तेरह, यहां कितना दे रखा अठारह, इसलिए डी इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। डन। ठीक है जी, कॉपी पेन लेकर बैठो सारे के सारे भाई, कॉपी पेन लेकर बैठो सारे के सारे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। यहां से लिखा है पचपन पैतालीस और छत्तीस क्वेश्चन मार्क, फिर इक्कीस। व्हाट विल बी द टर्म कम्स इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, आपको आंसर करना है, जल्दी से आंसर करें। गैप देखो कितने का रहा है, टाइमर देख रहा हूं बाबू, ये क्या है सीरीज का है, और इस सीरीज स्मूथ जा रही है, सीरीज कैसी जा रही है स्मूथ, तो आपको उसके हिसाब से आंसर करना है, आंसर करो जल्दी से जल्दी। ठीक है बॉबी, बॉबी ने अपना रिमूव कर दिया है ताकि दिखाई ना दे सर को कि गलत कमेंट कर दिया है, बॉबी ने तो रिमूव कर दिया है ना। चलो टाइमर हो गया, देखो जरा ध्यान से, यहां पर है दस का गैप, आगे कितने का गैप है नौ का गैप है, आगे कितने का गैप आएगा आठ का, फिर गैप कितने का आएगा सात का, तो बेसिकली यहां पर कितने का आएगा भाई, अगर देखूंगा आठ का गैप आएगा तो अट्ठाईस इसका आंसर आ जाएगा, सीरीज स्मूथ जा रही है, अट्ठाईस विल बी द राइट आंसर। डन। ठीक है दीपक, ओम फो, दीपक कह रहे ओम फो, अच्छा मान जा अट्ठाईस में क्वेश्चन का, आज तो मतलब कतई हद काट रहे हो तुम लोग, इतनी संख्या में इतने बच्चे हैं भाई साहब, मैं क्या तुम्हें यकीन दिलाऊं। साथियों ऐसे काम चलेगा, जूम कर दे रहा हूं लाला को, लेकिन सेशन को शेयर करो जल्दी से जल्दी, सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, जहां जहां डाल सकते हो वहां वहां डाल दो, क्योंकि आज मतलब एक वो हो गया है, भीड़ भाई साहब इकट्ठी आ गई है यहां पर, इतनी संख्या में लोग हैं भाई साहब, बताइए क्या बताऊं इन लोगों को मैं। ए ओ बी एम सी के क्वेश्चन मार्क ई जी, व्हाट विल बी द टर्म कम्स प्लेस इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा आंसर करो जल्दी से जल्दी, आंसर कीजिए जल्दी से जल्दी भाई। ठीक है जी शाबाश, लो देखो जरा ध्यान से, ए बी सी डी और ई, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, जहां पर देखो ये दो बढ़ रहा है, ये भी दो बढ़ रहा है, प्लस माइनस का टू, माइनस का टू ऐसे कर लो, यहां भी माइनस का टू होगा तो यहां भी माइनस का टू होगा, के से माइनस का टू करोगे तो आई आएगा, आई से माइनस का टू करोगे तो आएगा जी, तो ए विल बी द राइट आंसर, ए इसका आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए, क्या बोला हुआ है भाई, यहां पर नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, अब कहां आएगा, तो लगभग 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ये, आंसर बताओ क्या होगा, टाइमर दे रहा हूं आंसर करो, चलो टाइमर दे रहा हूं आंसर करो, टाइमर दे रहा हूं सभी साथियों को, आंसर करते चले जाओ। ठीक है ओके, तो यहां से अगर देखूंगा साथियों, देखो सीधी सी बात है, आएगा तो इस वाली लाइन पर ही, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन, ए ओ भाई ए बालो, शर्म ना आई तुम्हें, अभी इस लाइन पर था, फिर इससे पीछे गया, फिर इससे ऊपर गया, अब इधर वाली लाइन पर आएगा, ये ए गलत है, तुम्हें शर्म ना आ रही है ए वालों, बिल्कुल ही हद काट रहे हो, ए वालों गलत है आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए, चलो लो कथन दिया हुआ है, मोटर चालकों को अपने वाहन में पीछे निगरानी करने के लिए दर्पण आवश्यक रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है जी। अब कथन दिया हुआ है, इसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, क्यों ही रखते हैं, इसका रिजल्ट क्या हो रखा है भाई, रिजल्ट देखो जरा, निष्कर्ष का मतलब रिजल्ट होता है, वह अपने पीछे यातायात को देख सकते हैं, पीछे चलने वाले अन्य मोटर चालक उन्हें भी देख सकते हैं, जल्दी से बताओ कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा बताओ जल्दी से जल्दी, जल्दी से बताइए कि भैया इसका रिजल्ट क्या होगा, पीछे चलने वाले अन्य मोटर
चालक देख सकते हैं, बिल्कुल गलत हो गया, पहला सही है जी, पहला केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, बोलो हाँ या ना, पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है जी, मिस गिरधारी जी, मिस गिरधारी क्या लिखा है, मिस गुजारी, गुजारी जी, ओके, मतलब क्या बेहतरीन बेहतरीन नाम आते हैं, मैं तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ भाई। चलो आंसर करो, एक हमारे शेफ थे उनका नाम था गिरधारी, बड़े बेहतरीन खाना बनाते थे, आज तुमने याद दिला दिया। 3 को 30 लिखा जाता है, 7 को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से बताएं, 3 को 30 लिखा जाता है, 7 को क्या लिखा जाएगा। अब ये मत सोचना ये उनकी ही मिस है, ऐसा नहीं है बच्चे, मतलब ये गुज्जारी हैं। चलो आंसर करो, 3 को 30 लिखा जाता है, 7 को क्या लिखा जाएगा, बेहतरीन है बेटे, 3 को 30 गारंटी दे रहा हूं, इसमें तुम लोग फंसोगे। आंसर करो, चलो ज्यादा नहीं समय दे सकते, 10 सेकंड है इन क्वेश्चंस के लिए, ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। ये क्यों ही हंस रही है बिचारी, क्या दिक्कत है इसे। ठीक है लीजिए, देखो जरा ध्यान से, अगर देखूं मैं, 3 का स्क्वायर करो और कुछ काम नहीं होगा, 3 का घन करिए और 3 ही जोड़ दीजिए, जितने का घन उतना ही जोड़ दो जी। अब 7 का घन करूंगा और 3 जोड़ूंगा, काम नहीं बनेगा, ऑप्शन भी मैच नहीं करेगा, 7 का घन और 7 ही जोड़ो, तो 343 प्लस 7 आंसर आ गया 350 इसका, 350 विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी आंसर। ठीक है चलिए आगे आ जाइए भैया, शैवाल विज्ञान जैसे शैवाल से संबंधित है, एल्गी, एल्गी जो होते हैं, एल्गाई भी बोलते हैं, एल्गी साइंस, एल्गी से संबंधित है, उसमें से इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, कि भैया कीट विज्ञान मिट्टी से, रुधिर विज्ञान रक्त से, चंद्र भूगोल विज्ञान क्षरण एरोजन बोलते हैं जब कोई भी चीज कटने लगती है, और रिसाब प्रकरण विज्ञान उभयचर। भाई साहब आंसर बता दो क्या आएगा इसका आंसर, हिमेटोलॉजी आंसर सही हो जाएगा, कुछ देखना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, रक्त विज्ञान रुधिर, सीधी सी बात है, रुधिर विज्ञान रक्त, बाबू हिमेटोलॉजी बोलते हैं, हिमेटोलॉजी ध्यान रखना, हिमेटोलॉजी, हिमेटो आया है हीमोग्लोबिन की तरफ से, ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन ब्लड, सही है, लगभग लगभग पुरुषों में 12 से 16 के बीच में होना चाहिए और स्त्रियों में 11 से 15 के बीच में, ठीक है, हीमोग्लोबिन, हीमो को, हीमोग्लोबिन कहां से आया आप ये भी सुन लो, हीमोग्लोबिन बेसिकली अगर देखा जाए, हीम जो होता है वो आयरन को रिप्रेजेंट करता है, और आपके शरीर में अगर ध्यान रखना ब्लड कम है तो आयरन कम होगा, आयरन कम है तो ब्लड कम होगा, वही रीजन ये है, आयरन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ब्लड, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से, ऐसा कुछ नहीं है, मैं साइंस का फैकल्टी नहीं हूं, मतलब मैं रीजनिंग का हूं, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज पता होनी चाहिए। हीम जो होता है उसे ब्लड कहते हैं, क्या कहते हैं, आयरन, हीम, तो हीमो आयरन से बनाया, और हीमेटोलॉजी जो है आपका हीमोग्लोबिन से, तो कनेक्ट कर लेना अपने आप। पिता जनक होती हैं, बहन बेटी, आय हाय हाय क्या ही बोल दिया मैंने, जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर, जल्दी से आंसर कर दीजिए। जिस प्रकार से पिताजी जो होते हैं वो कौन होते हैं, जनक। तुम लोगों का कम से कम 75% बच्चों का आंसर गलत आएगा, जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड का टाइमर दे रहा हूं। ओके सर, मेरे में 4 पॉइंट है, अच्छा गलत है बेटा, चलो इधर देखो, बहुत बढ़िया आंसर हो जाएगा इसका, सहोदर, सहोदर आंसर हो जाएगा, रीजन समझो क्यों, सहोदर, जितना ए कह रहे हो ना अभिषेक बाबू, इसलिए गलत है बेटा, ये जरा क्या बोलते हैं, जो डोर है इसे क्लोज कर देना जरा, हमारे पैरों पर ठंडी ठंडी हवा का जो स्पर्श है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है ना। चलो देखो इधर जरा ध्यान से, क्या ही बोल गया मैं, इधर आओ बेटा, पिता जनक, पिता क्या होता है, जनक, जनक होते हैं मतलब पेरेंट्स, फादर पेरेंट्स, उसी प्रकार से बहन जो होगा वो सहोदर सिबलिंग्स आएगा, बहन क्या होती है, बहन बेटी नहीं होगा नलायको, अगर यहां होता क्या, पिता और कह सकते हो पिता जनक, पेरेंट्स है बेसिकली, पिता क्या है, पेरेंट्स है, तो बहन क्या है, बेटी थोड़ी ना है यार, सीधी सी बात है, बहन आपकी सहोदर है, सहोदर मतलब जो आपके एज के हों और आपके सगे भाई बहन हो, सहोदर सिबलिंग, इसका आंसर आ जाएगा सिबलिंग, है ना बेटा। चलो आगे आ जाइए, बेहतरीन प्रश्न का यहाँ उदाहरण है, आइए देखते हैं जरा क्या है,
आओ, रोज 10 बजे क्लास होती है। सभी साथियों से बोलना चाहूंगा, रोज 10 बजे क्लास होती है, और कूपन कोड है JITIN10। अगर कोई भी बैच परचेस करना चाहते हो आप JITIN10 करके परचेस कर सकते हो। मेरे चीतो आ जाओ, जरा इधर देख लो, फर्नीचर मेज कुर्सी, कर्मी नहीं है ये, कुर्सी है, कुर्सी कुर्सी आहा कुर्सी के आपसी संबंध को कौन सा निरूपित कर रहा है जरा बता दियो इसमें से। फर्नीचर मेज कुर्सी, ये क्वेश्चन पहले भी करा रखा मैंने, ये मुझे याद आ गया जी। पैरों पर रजाई डाल दो, ऐसा नहीं कर सकता बाबू मैं, क्योंकि मैं जब तुम्हें नहीं डाल दे रहा हूं रजाई, तो मैं खुद कैसे कर लूंगा। ई नहीं चल वो, ऐसा नहीं होगा। आइए, फर्नीचर मेज कुर्सी कौन सा डायग्राम बता रहा। अच्छा एक बात बताओ, मेज और कुर्सी का कोई भी संबंध है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने बोला शर्ट और टाई एक दूसरे के ऊपर माने जाते हैं, लेकिन उनके दोनों संबंध नहीं होते हैं। शर्ट अलग हो गई, टाई अलग हो गई जी, है ना। वैसा ही कुछ यहां पर देखने को मिलेगा कि मेज और कुर्सी दोनों अलग अलग हो गए। मेज कुर्सी अलग अलग हो गए जी, मेज कुर्सी अलग अलग हो गए। अच्छा मेज कुर्सी अलग अलग हो गए, मेज कुर्सी अलग अलग हो गए। अब मैंने बोला जी फर्नीचर पूरा का पूरा जो भाई साहब कौन है, मेज है, वो फर्नीचर में चला जाएगा। कुर्सी भी किस में चली जाएगी जी? फर्नीचर में चली जाएगी, फर्नीचर में चली जाएगी पूरी की पूरी। तो आंसर के हिसाब से देखा जाए तो ए इसका आंसर सही होगा। क्या होगा मेरे बच्चों? ए इसका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा नितिन यादव कह रहे हैं डी। बाबू इसमें जो है ना डायग्राम में ध्यान रखना, ये फर्नीचर इसे दिखाया गया, फर्नीचर सही है, और मेज दिखाया गया इसे, और जो कुर्सी है बाबू वो इसे दिखाई गई है ना, इसलिए डी नहीं होगा वो। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग समझ पा रहे हो, मैं थोड़ा सा बता दूं। अच्छा बाहर निकलेंगे नहीं, सीधी सी बात है, क्योंकि मेज फर्नीचर से बाहर नहीं निकलेगी। ये भी अलग हो गया भाई साहब, थोड़ा फर्नीचर ही होता है पूरा का पूरा, तो इसलिए बिल्कुल गलत हो गया। आगे आ जाओ जी, जरा देखो 1, 3, 8, 9, 19 और 42 जल्दी से आंसर करेंगे मेरे चीतो, क्या आएगा इसका आंसर। कतई जो बहुत ज्यादा ही जूम कर दिया भाई साहब। आइए करिए लीजिए, रोज 10 बजे क्लास होती है, 10 बजे मिलो रोज, बेहतरीन प्रश्नों के साथ में आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल, आप मतलब एक वर्दी होती ना उसका जुनून, अगर वो चाहते हो तो भाई साहब आपको अपने आप से थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा, कुछ तत्वों से, कुछ बैड हैबिट्स से, और कुछ आदतें आपको वास्तव में बदलनी ही पड़ेंगी, क्योंकि सुबह अगर उठना है तो भाई साहब काम तो करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। आंसर करो, ठीक है। देखो हुआ क्या है, सीरीज स्मूथ जा रही है, 3, 1, 3, 8, 19, 42। अब मैं तुमसे बस इतना कह सकता हूं, लगभग लगभग दो गुना हो रहा है सब में, लगभग लगभग दो गुना हो रहा है जी। देखना जरा, यहां हो रहा है दुगना प्लस का एक, आगे आ जाओ जी, दुगना प्लस का दो भी हो रहा है, आगे आ जाओ, दुगना प्लस का अगर देखो 8, 16, 16 और 3, 19, फिर भाई साहब दुगना प्लस का हो रहा है 19, 2, 38 और 4, वाह क्या बात है। आगे देखना जरा, दुगना करो और प्लस का 5 कर दो, 42, 2, 84 और 84 और 5 हो जाएगा भाई साहब 89 इसका आंसर, 89 डन, 89 विल बी द राइट आंसर, 89। मम्मी को बोल दो, अच्छा मतलब कतई हद काट रहे जी, आपस में ही बातें करते रहते हैं नालायक। नरेंद्र जी हमारे बहुत प्यारे मित्र थे, ये हैं अभी भी, ऐसी बात नहीं भगवान मतलब ऐसा ना कहे थे। नरेंद्र उत्तर दिशा की ओर, भाई साहब डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन है, करो चलो जल्दी से जल्दी जल्दी से आंसर करो। नरेंद्र उत्तर दिशा की ओर जाते हैं भाई साहब, और 12 किलोमीटर चलते हैं, फिर पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलते हैं, और 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलना स्टार्ट कर देते हैं। वह उस बिंदु से कितनी दूर है जो जहां से उन्होंने चलना स्टार्ट किया था, वेयर इज द व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की आपको डिस्टेंस बतानी है। आई थिंक इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में आप लोग कर सकते हो, इजी है, मैं पहले ही बता चुका हूं आप साथियों को, करो जल्दी से जल्दी। मेरा चीता कह रहा है अभिषेक एक बार लाइक कर दो, तो भैया इसकी सुन लो, लाइक कर दो और सभी साथी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। आ जाओ, नरेंद्र उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर गया ये भाई साहब उत्तर दिशा में, उत्तर ऊपर होता है। आगे पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर जी, पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर, दक्षिण, यार ये कोई क्वेश्चन था दक्षिण दिशा में 12 किलोमीटर ना लायक है, बीच की डिस्टेंस क्या आ गई इसकी 10, आंसर क्या आ गया 10, अगली बार से बिल्कुल भी ना आएगा ये, आ कैसे गया इस बार को, क्वेश्चन कैसे आ गया ये,
मैं नहीं दूंगा इसे बिल्कुल भी, चेक नहीं किया मैंने वरना इतना। अरे ओ भाई, यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है ये, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, विश्वास ना हो तो कांग्या जी कॉपी कांग गई है, यहां से दिखा देता मैं अभी तुम्हें किताब, टेंशन ना लो। लो रीजन को अगर 5 लिखा जाता है, बिलीव्ड को 7 लिखा जाता है, तो गवर्नमेंट को क्या बोला जाएगा? ये गवर्नमेंट भाई साहब कतई, मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी दे दो योगी जी, बच्चों को परेशान कर रखा है तुमने। आओ, रीजन को 5 लिखा जाता है, बिलीव्ड को 7 लिखा जाता है, गवर्नमेंट को क्या लिखा जाएगा? मैं बताऊं तुम लोगों को, वैकेंसी तो आनी है, लेकिन आप उसके लिए अभी से ही तैयार रहो। दिमाग में जरूर चल रहा होगा कि वैकेंसी नहीं आई है, वैकेंसी नहीं आई है, क्लास चल रही है, लेकिन जिस दिन आ गई, तुम उन बच्चों से आगे होगे, उन बच्चों से आगे होगे जिन बच्चों को तैयारी करने के लिए अभी कोई फुर्सत नहीं मिल रही है। मैं बताऊं तुम लोगों को, जीवन में ये सबके साथ में होता है। बाद में वो यही बोलते हैं, यार वैकेंसी नहीं दे रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट झटका देती है, ध्यान रखना। और उन झटकों से अगर उभर गए तो बहुत अच्छी चीज हो जाएंगी, पहले ही आप लोग तैयारी रखो अपने आप में साथियों, है ना बच्चा? अगर अभी से ही तैयारी रहेगी तो बेहतरीन चीजें चलती जाएंगी। और एक होगा वो जो जिसने पेपर के टाइम पे तैयारी करेगा, एक होगा वो जो भाई साहब नोटिफिकेशन से पहले ही तैयारी करेगा, एक करेगा नोटिफिकेशन के टाइम पे। तो तुम लोग उनसे आगे हो जाओगे यार, तैयारी करो भाई साहब, अपने आप को उठाओ, समझ रहे हो? एक बच्चे की बहुत तैयारी होती है, वो कभी तैयारी भाई साहब करके बैठ गया, पढ़ा ही नहीं, पेपर के टाइम पर पढ़ा, और इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है, ध्यान रखना। सिलेक्शन उसी का होता है जो रेगुलर रहता है लाइफ में, रेगुलर बने रहना है। आइए लो, रीजन में टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है लेकिन इजी है। रीजन में टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने जरा देखना जी, रीजन में टोटल नंबर ऑफ लेटर है 6, यहां कितना लिखा हुआ है 5, माइनस का किया हुआ है 1, बात खत्म। क्या किया बेटा? माइनस का 1, माइनस का 1। अच्छा, बिलीव्ड में टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने, 4, 4, 8, यहां पर कितना लिखा हुआ है 7। अच्छा, गवर्नमेंट में कितने, गवर्नमेंट में 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और 1, ठीक है 10। 10 में से जब मैं 1 करूंगा, व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट 10 to 1, यू विल गेट 9 योर आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे चीतो? 9 इसका आंसर आ जाएगा, 9 इसका आंसर हो जाएगा, डन हो जाएगा। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए, लास्ट तक बने रहना यार, बेहतरीन प्रश्न है भाई। बोला हुआ क्या है? गहना सोना चांदी, गहना सोना चांदी, गहना सोना चांदी, क्या आएगा आंसर जल्दी से बताओ? गहना सोना चांदी, गहना सोना चांदी, आंसर बताइए। गहने सोने और चांदी, सोना चांदी दोनों अलग अलग हो गए, बोलो हाँ या ना? और पूरा का पूरा गहने में आ गए, ये पूरा उठ के यहाँ जाएगा, यहाँ पर ये, इन दोनों का संबंध, डी इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, गहना सोना चांदी, गहना सोना चांदी हो जाएगा, गहना सोना चांदी, गहना सोना चांदी, है ना? चलो ठीक है, डी 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 डी, डन 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 डन, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए, कल मीनू कल्पना से लंबी है, पूर्वा पूर्वी से नाटी है, आहा क्या बात है। आइए देखो इसको जल्दी से, ओ कॉपी पेन लेकर बैठो, चलो कॉपी पेन लेकर बैठो, कॉपी पेन लेकर बैठो। कल से ये लेवल दुगना हो जाएगा, मैं इस लेवल को टफ कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा यूपी पुलिस कांस्टेबल में अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर का है, तो तुम लोग ये मत सोचना कि ईजी है। बाबू यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है ये, और मैंने देखो जैसे यहाँ पर 20 सेकंड का टाइमर दिया है तुम लोगों को, ताकि तुम लोगों को इजी रहे, आंसर करो चलो जल्दी से जल्दी। मीनू कल्पना से लंबी है, लेकिन लो और टाइमर दे रहा हूँ, 20 मिनट का और दे दी, 20 सेकंड का और दे दिया। जैसे मैं करती हूँ एडमिट कार्ड निकालने के बाद, तुझे पता है अगर तू लड़की हो, लड़का होता ना अंजू, मैं तुझको इतना अभी बोल देता, लेकिन अभी क्या बोलूं, तू रोज आते हो तो बस मैं समझ रहा हूं कि तू रोज पढ़ती होगी, बस कमेंट पढ़ने के लिए ऐसे मैसेज डालते हैं बाबू। आइए, मीनू, मीनू जो है मेरे बच्चे, मीनू कल्पना से लंबी है, कल्पना से लंबी है, और आगे आ जाओ, लेकिन पूर्वी से नाटी है, पूर्वी से नाटी कौन है? मीनू, तो ध्यान रखना, लेकिन हो और हो तथा हो पीछे का आ जाता है, पूर्वी, ठीक है बाबू। नाटी का मतलब होता है छोटा। गीता प्राची से लाटी है, और प्राची उतनी लंबी नहीं है जितनी कल्पना, ठीक है, मतलब कल्पना लंबी है, डेट्स इट। कल्पना कौन है? लंबी है। कल्पना कौन है बाबू? लंबी है। कल्पना कौन है? लंबी है, ठीक है बाबू। तो यहां पर क्या आ जाएगा,
ठीक है चलो, गीता प्राची से नाटी है और प्राची उतनी लंबी नहीं है जितनी की कल्पना, तो प्राची आ जाएगा। और भाई साहब गीता जो है प्राची से भी नाटी है, तो गीता आ जाएगी यहां पर, गीता आ जाएंगी यहां। बोला हुआ है ऊंचाई के क्रम में खड़ा कर दिया जी इन लोगों को, यही ऐसे ही बनेगा। बोला मध्य में कौन है, तो मध्य में है हमारी कल्पना जी, कल्पना इसका आंसर हो जाएगा, कल्पना है ना, कल्पना इसका आंसर हो जाएगा। चलो अंशिका कह रही है आज तो बहुत लेट हो गई है, कोई बात नहीं अंशिका, परेशान ना हो मेरी बाबू, ठीक है। चलो आंसर करो, रविशंकर जी सितार बजाते हैं, बिस्मिल्ला खां क्या, बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, मतलब मेरे में भी आया था ये, जब मैं पेपर कभी देता था तब भी आता था और आज भी आया है। मतलब हमारे जो बिस्मिल्ला खां हैं उनका मतलब अभी भी वर्चस्व जो है वो बना हुआ बहुत, और अभी नहीं आगे के 200-300 साल में भी बना रहेगा भाई साहब, ये रविशंकर जी और ये तो मतलब बेहतरीन है। सहनाई इसका आंसर हो जाएगा, सहनाई इसका आंसर होगा। जिसको इसका आंसर नहीं पता वो भाई साहब तुम एक काम करो, पानी और थोड़ा गड्ढा खोदो फावड़े से और उसमें गर्म पानी रखना, ठंडा नहीं भाई साहब, कतई मतलब जकूजी का स्नान करो और थोड़ी देर बाद में भाई साहब अपने आप को फील करो कि तुम लोग पढ़ रहे हो या नहीं, क्योंकि ये जीवन में बहुत जरूरी है। आप देखिए, आप इसको आत्मचिंतन जिसे कहते हैं, सुबह सुबह ये कर लिया करो अगर इसका आंसर नहीं पता। जैसे ये कौन है, अमृता यादव, अमृता यादव कर रही हैं बी सरोद, अमृता नालायक, शर्म ना आई तुझे एक बार भी, बहुत तेज कोनी पड़ जाएगी मैं बता रहा हूँ, दर्द बहुत होगा नाक में। अगले आ जाओ, 112 को 488 लिखा जाता है जी, 448 लिखा जाता है, तो 221 को क्या लिखा जाएगा? और अगर ये नहीं हुआ भाई साहब तुमसे, प्रीवियस ईयर का है दिलीप, इनपुट आउटपुट कराना है, ठीक है बाबू मैं करा दूंगा, तुझसे बढ़कर नहीं है मेरे लिए कुछ, मैं बता रहा हूं जा, इनपुट आउटपुट हो जाएगा ठीक है। लेकिन आज बाबू उसमें इस बैच में आपका, क्योंकि घनघनाप वाले प्रश्न कह रहे थे बच्चे, तो मैं घनघनाप कराऊंगा आज, ठीक है। बोले थे सर घनघनाप नहीं हुआ है, तो मुझे और किसी ने कराया भी नहीं है, तो मैं करा दूंगा बाबू, ठीक है। और बता, और क्या चाहिए, तेरी इच्छा पूरी की जाएंगी, तू आज बता। चलो 112 को 448 लिखा जा रहा है, 221 को, आज तुम लोगों की संख्या बहुत है, मैं सबका देख सकता हूँ बड़े प्यार से, देखो चार गुना हो रहा है, इसका भी चार गुना कर दो। चलो चार दुनी आठ और चार एकम चार, तो 884 विल बी द राइट आंसर, 884 विल बी द राइट आंसर, 854 सुरभि कातियार, शर्म ना आई सुरभि, मतलब कतई हद गलत आंसर कर रहे हैं यार, नालायक गलत आंसर कर रहे हैं, 854 कह रहे हैं, 884 होगा बेटा, वो टाइप होने में गलती हो गई आपसे। आइए करो जी इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से जल्दी, कहाँ है भाई मैं अपनी छड़ी ले लेता हूं। आइए, बेड को लिखा जाता है YZW, और सेम को कुछ HZNV लिखा जाता है, तो लव को क्या लिखा जाएगा भाई साहब, लव को क्या लिखा जाएगा बता दो मेरे चीतो जल्दी से, समय कम है, आंसर करते चले जाओ। गुरुजी 45 क्वेश्चन का सी दिया है, अच्छा जी जरा देखें कौन सा सी है बेटा, यही तो बात है, दिक्कत ये है कि तुम लोग ना मतलब आत्मचिंतन नहीं करते हो। अगर किताब में सी दिया है तो तू सी ही मानेगा बाबू, उस किताब में ये लिखा होगा कि सभी ज्वेलरी जो है सोना नहीं होती। अगर मैंने बोला बाबू सोने की तो सभी ज्वेलरी होती है यार, तुम सी कैसे बता दोगे? और मुझे भी पता है जिस किताब को आप देख रहे हो उसमें सी दिया हुआ है, लेकिन सी गलत है, और जो चीज गलत होती है ध्यान रखना उसको गलत को गलत ही कहा करो, दिमाग लगाओ इसका सी कैसे हो सकता है। इसे गोल्ड मान लिया, इसे तुमने ज्वेलरी मान लिया, और इसे क्या मान लिया, चांदी। अच्छा इतनी चांदी ज्वेलरी होती है, बाकी ये वाली कहां गई, इतना ही गोल्ड ज्वेलरी होता है बाकी कहां गया, वाह क्या बात है भाई साहब, मजा ही कर रहे हो बिल्कुल ही। अगर सी दिया है बेटा तो मुझे भी पता है सी दिया है, लेकिन सी क्या होगा आंसर में, आंसर डी ही होगा मेरे बच्चे। जिस किताब को आप देख रहे हैं उसी किताब को हम भी देख रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, गलत टाइप कर रखा है, दैट्स इट, दिमाग चलाया कर मेरे बच्चे। चलो कहां चल गए थे हम, यहां आओ जरा देखो, देखो ध्यान से,
एस का उल्टा एच, ए का उल्टा जेड, एम का उल्टा एन, ई का उल्टा बी, इसीलिए नालायक। ओहो किताब में से देख देख के आंसर कर रहे हैं ये, शर्म ना आई तुम्हें एक बार भी? अरे टेक्स्ट बुक में दिया तो क्या करें दीपक जी, परेशान क्यों होते हो आप, अपने आप भी तो मान लिया करो आप, है ना। लव को क्या लिखेंगे? वाह एल ओ बी, आधे तो मतलब देख के ही खुश हो गए होंगे, लेकिन मैं बता दूं इसमें सब एक दूसरे के उल्टे ही होते हैं। एल का उल्टा होता है ओ, ओ का उल्टा होता है एल, बी का उल्टा होता है ई, ई का उल्टा होता है बी, तो ओ एल ई बी इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, सर सीखे भी तो क्या लिखा है, सिक्के भी तो बनते हैं, सिक्के भी तो बनते हैं, अच्छा गोल्ड बाबू उसे ज्वेलरी में ही काउंट करते हैं आप, ठीक है बेटा ध्यान रखना, ठीक है आओ, एक तरीके से यूज एज अ ज्वेलरी होता है बाबू, आइए लीजिए लीजिए। यार हमारी मम्मी तो भाई साहब कतई, मतलब मम्मी छोड़ो मैं, कतई डाका पड़वाओगे कि घर पे है बाबू, ज्वेलरी काउंट करते हैं उसे, आइए लो बताओ। आंसर कीजिए, लो कौन सी अंतर्निहित है, कौन सी आकृति अंतर्निहित है, जल्दी से बताएं कौन सी आकृति यहां से अंतर्निहित है, जल्दी से बताओ, चलो आंसर करो, कौन सी आकृति अंतर्निहित है, कौन सी आकृति अंतर्निहित है, शाबाश ए आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। जरा देखो ध्यान से कैसे, मैंने बोला सबसे पहले बाबू ये आ रहा है ना, ये कुछ है ऐसे कुछ इस प्रकार से, तो ये है कुछ, ये लो और बताओ तुम, जी लो अपनी जिंदगी जाओ, ए आ जाएगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर करें सभी साथी, लीजिए 15, 17, 6, 14, 15, 17, 6, 14 जल्दी से आंसर करो, 15, 17, 6, 14 क्या आएगा आंसर बताओ जल्दी से जल्दी, 15, 17, 6, 14 15, 17, 6, 14 15, 17, 6, 14 यहां से बताइए कौन सा अलग होगा बेटा, शाबाश 17 इसका आंसर हो जाएगा, 17 विल बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, कैसा है मेरे बच्चों, प्राइम नंबर, कैसा है जी प्राइम नंबर, कैसा नंबर है प्राइम नंबर, कैसा नंबर है जी प्राइम नंबर, तो इसलिए 17 इसका आंसर हो जाएगा, बाकी सब कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं, ये है एकमात्र अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या होती है ध्यान रखना, अभाज्य संख्या होती है जो खुद से, खुदा से ही कटती है बस, है ना। अच्छा ये जो होती है, ये भाज्य संख्या होती है जो खुद से, खुदा से और किसी एक और से कट जाती है, खुद खुदा और किसी एक और से, किसी एक और से, है ना, खुद खुदा और किसी एक और से, किसी एक और से, ठीक है सही है बच्चा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 इसका आंसर हो जाएगा, डन। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ लो, निर्देशक उत्पादक, उत्पादक और भाई साहब उद्यमी निवेशक, ये क्वेश्चन जो है मुझसे कई बार बच्चे पूछ चुके हैं सर क्या आएगा इसका आंसर, आंसर करो जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए, डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टर, इन्वेस्टर क्या आएगा आंसर जल्दी से बताइए, इन्वेस्टर जल्दी से बताओ क्या आएगा। तो तुम लोग इसको इंग्लिश में ही देख लो तभी भी आंसर आ जाएगा, हिंदी में देखने में टफ पड़ता है, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं और मुझे नहीं पता क्यों पूछ चुके हैं बाबू, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो जिनको लग रहा है ना इजी है तो इसका आंसर करो, जिसको लग रहा है इजी है वो आंसर करो, बाबू प्रीवियस ईयर का पेपर है इसीलिए तुम लोगों को इजी लग रहा है, मैंने बोला कुछ दिनों प्रीवियस ईयर के पेपर जब खत्म नहीं हो जाते जब तक, तब तक यही चलेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल करेंगे, जैसे मैंने भी कुछ क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करे हैं, मैंने भी कुछ क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं, मैं प्रीवियस ईयर और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेकर चलता हूं साथ में, है ना, लेकिन क्या है बच्चे अभी धीरे 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 आदत डल जाएगी, फिर हम लोग इनको थोड़ा सा टॉनिक बीच बीच में देते रहेंगे, है ना, टॉनिक बीच बीच में देते रहेंगे, तो तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लो, सही है बाबू, लो आंसर करो, जैसे ये भी क्वेश्चन अभी देखते जाओ, तुम लोग आंसर करने में गलतियां करोगे, आंसर होगा इन्वेस्टर निवेशक, भाई साहब निर्देशक प्रोड्यूसर इंटरप्रियोर निवेशक, इसका आंसर बिल्कुल अलग हो जाएगा, निवेशक है ना जी, इन्वेस्टर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इन्वेस्टर सीधी सी बात, चलो
निर्देशक खुद समझ रहे हो बनाता है, प्रोड्यूसर भी खुद ना खुद बनाता है, एंटरप्रेन्योर भी खुद ना खुद बनाता है, लेकिन निवेशक पैसे लगाने का कार्य करता है, तो इन्वेस्टर। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ। जिसने इस क्वेश्चन का आंसर किया उसको मेरी तरफ से आज तो पार्टी है, बाकी तुम देख लो अपने आप। लो, सुरेश मनीष से 114 दिन बड़ा है, सोनम सुरेश से 70 दिन बड़ी है। सोनम का जन्म बुधवार को हुआ था, तो मनीष का जन्म कब होगा? मैं बता दूं तुम लोगों को, गुरुजी आपने मेरठ एग्जामपुर में यूपीएसआई बैच में सिलेक्शन हुआ है। दीपक सागर कह रहे हैं, दीपक हमारे यहाँ मेरठ एग्जामपुर बैच में अगर आप देखो, मेरठ में जो अभी डाटा मिला है, लगभग 58 से 60 बच्चे ऐसे हैं, 58 से 60 बच्चे ऐसे हैं, मैं तुम लोगों को एक रॉ डाटा बता रहा हूँ, बिल्कुल देखो जरा, 58 से 60 बच्चे ऐसे जिनका 115 से स्कोर प्लस गया है, 115 से। ऐसे ही अगर मैं देखूंगा लगभग 20 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 110 से 115 के बीच में रहा है, 20 बच्चे हैं। ये पूरा का पूरा डाटा है, मैं 110 से नीचे नहीं जा रहा हूं। अगर 110 से चला गया ना नीचे तो बहुत स्कोर बढ़ जाएगा। ये डाटा है एग्जामपुर का, ऑफलाइन क्लासेस का, मेरठ का। तो मैं खुद, क्योंकि मैं पर्सनली वहां पर हूं, तो मुझे पता है ये डाटा स्कोर रहा है यूपीएसआई का। ठीक है बाबू, आओ। और एसएससी जीडी का भी कुछ इसी टाइप से रहेगा। तो जितने भी साथी अगर ऑफलाइन का एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो वो मेरठ ब्रांच में आ सकता है। आंसर करो जल्दी से जल्दी। अच्छा, दीपक कह रहे हैं सर मैं भी मेरठ में ही था। अच्छा, ओके दीपक। बाबू स्कोर क्या रहा है यूपीएसआई का बताना जरा। अरविंद चौहान, गॉड ब्लेस यू यार, बहुत अच्छी बात है आपका सिलेक्शन हो गया है। अरविंद कह रहे हैं कि मेरा इंडियन आर्मी में टेक्निकल की पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया है सर, बहुत अच्छी बात है भाई। आज ज्वाइनिंग है मेरी, ज्वाइनिंग हुई है इंडियन आर्मी में टेक्नीशियन, टेक्निकल में, बहुत अच्छी बात है अरविंद, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छी बात है। आप खुद सोचिए कि अरविंद जी खुद, मतलब ऐसे ही जैसे आप लोग हो, जितने पढ़ रहे हो इतने ऐसे ही पढ़ते होंगे, आंसर देते होंगे, लेकिन आज जो है ये एक पोस्ट पर है, इस पोस्ट के सलाम करने के लिए एक छोटा सा बच्चा भी अपना हाथ उठा देता है, इतनी रेयर ऐसी जॉब होती है। तो ऐसे ही यूपी पुलिस के लिए होता है बाबू, वर्दी की जो महक होती है ना वो बहुत बड़ी बात होती है। जब आप बेल्ट लगाओगे, जूते पहनोगे, वर्दी पहनोगे ना, तो वो अलग होती है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात सच्चाई है। तो अभी ठीक है, दीपक कह रहे 96, ओके दीपक, कैटेगरी के हिसाब से और फेज के हिसाब से कुछ हो सकता है। सुरेश मनीष से 314 दिन बड़ा है। अच्छा जी, सुरेश मनीष से बड़ा है, कितना दिन है जी? 314 दिन। अच्छा जरा अगर देखो इसका जरा विषम दिन निकालना, 7 से भाग करके, तो 7 × 4 = 28, 3 बचा और माइनस का 1 कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो जो शेषफल आएगा, जो इसका रिमाइंडर आएगा, 7 × 28 और कितना आया यहाँ 34, 7 × 28 फिर से शेषफल आ गया 6, शेषफल आ गया 6। अच्छा 6 को मैं माइनस 1 कर सकता हूँ क्योंकि दिनों की संख्या होती है एक। ठीक है, सोनम सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है, सोनम सुरेश से, इसका आंसर किताब में गलत दे रखा भाई, देखते हैं अभी। सोनम सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है, सोनम बड़ी है सुरेश से, कितना? 70। अगर 70 को 7 से भाग करूंगा बाबू, शेषफल आएगा 0, मतलब जिस दिन सुरेश का, सोनम का जन्म हुआ है उसी दिन किसका जन्म होगा? सुरेश का। किसका होगा? सुरेश का। तो अगर सोनम जो है बाबू बुधवार के दिन पैदा हुई है, बुधवार को, तो सुरेश भी किस दिन पैदा होगा? किस दिन पैदा होगा जल्दी बताओ, किस दिन पैदा होगा? बुधवार को। सुरेश बुधवार को अगर पैदा हुआ है, सुरेश बुधवार को पैदा हुआ है तो बाबू मनीष किस दिन पैदा होगा? आंसर किताब में बृहस्पति बार है, लेकिन इसका आंसर होगा मंगलवार। क्यों? देखो जरा ध्यान से, आइए बाबू, बुधवार, सुरेश बुधवार को पैदा हुआ, सुरेश बड़ा है या फिर मनीष? तो सुरेश बड़ा है, तो इसका मतलब आप माइनस का 1 करो आप, या प्लस का 6 करो, तो यहां से आंसर आ जाएगा क्या?
मंगलवार, क्या आ जाएगा बेटा मंगलवार, क्या आ जाएगा मंगलवार। और इसका आंसर किताब में बृहस्पति बार दे रखा है जो कि गलत है, आंसर होगा मंगलवार इसका। राइट आंसर क्या होगा बेटा मंगलवार, क्या होगा मंगलवार, बी इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी आप मेहनत करते जाओ मेरे साथ ऐसे ही। प्रश्न देख रहे हो आप, प्रश्न देख रहे हैं आप चीतो, ट्यूजडे बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में फंसते हो तुम लोग ऐसे क्वेश्चन में। विक्ट्री को कुछ ये लिखा जाता है, सक्सेस को क्या लिखा जाएगा। और भगवान से दुआ है आप भी जल्दी से जल्दी से। यार सेशन को शेयर करो यार, ऐसे मजा नहीं आता। और रोज 10 बजे आ जाया करो नालायको, 10 बजे आ जाया करो तुम, मैं तुम्हारी फूफी की कसम है मैं बता रहा हूं। अभी मेहनत कर लोगे तो बहुत बेहतरीन चीजें होती चली जाएगी यार, है ना। संडे मंडे ट्यूजडे नहीं बेटे, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कतई। सुनील आइए, विक्ट्री, ओके विक्ट्री, BICTORY को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, विक्ट्री को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। चलो बाबू, बाई का उल्टा बी जरूर वाला है, लेकिन बी का उल्टा बाई नहीं होता, यहां पर प्लस का 3 हो रहा है। कितना हो रहा है प्लस का 3, अच्छा इसमें भी प्लस का 3 हो रहा है, इसमें भी प्लस का 3 हो रहा है, सब में प्लस का 3 हो रहा है, सब में प्लस का 3 हो रहा है। अच्छा देखें, इसमें भी प्लस का 3 है, सब में प्लस का 3 है, सब में, लास्ट वाले में भी प्लस का 3 है, क्योंकि ये 25 पर आता है, और अगर देखा जाए तो ये कितने पर आता है साथियों, 28 पर, 26 27 28 27 पर ए आता है, 28 पर आएगा बी, तो प्लस का 3 हो रहा है। ठीक है, तो तुम भी क्या काम करो, सक्सेस को सब में जोड़ लो, और देखो ऐसे एलिमिनेट करा करो कि सब में अलग अलग कौन सा है, तो सब में अलग बीच वाला भाई इसको तो करना ही पड़ेगा, सब में अलग क्या, लास्ट प्लस और लास्ट का सेम होना चाहिए, पहला और लास्ट का सेम होना चाहिए, पहला और लास्ट का सक्सेस, ओके। अच्छा बाबू ये मुझे लग रहा है ये W होगा, पहला वाले में W होगा ये, थोड़ा सा देख लेते हैं जरा। या BB होगा कहीं पर लास्ट में, ठीक है। हाँ ठीक है, यहां पर ये जो ऑप्शन है ना W की जगह BB होगा, चलो देख लेते हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं इसे। सब 19 पर आता है, कितने पर आएगा B पर, फिर U और प्लस 3 करोगे X आएगा, C बीच के दो कॉमन आएंगे E आ गया, फिर E प्लस का करोगे आप 3 तो 3 5 3 8 आ जाएगा H, S करोगे तो BB, तो बाबू HBB आएगा लास्ट में, HBB आगे क्या है BX, तो ये सही हो जाएगा। ये जो है ना W इन्होंने बनाया, हमारे टाइपिस्ट जो हैं बहुत ही मतलब बहुत दूर से आए हैं, मतलब इनको आने में बहुत समय लग गया था, जहाँ से भी आए हैं, तो इन्होंने थोड़ा सा BB को W कर दिया, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ ये परेशान है होगा बेचारा अपनी ज़िंदगी से, मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, है ना। तो ये VVV है, कोई बात नहीं, तुम लोग मतलब कतई, चलो ठीक है। एप्लीकेशन के यहाँ क्लास हो गई है बाबू, अभी एप्लीकेशन वाले बच्चों से भी पूछो क्या बेहतरीन क्लास चल रही है, जरा बताना एप्लीकेशन वाले कितने हैं इसमें, द्रोणाचार्य बैच वाले कितने जल्दी बताओ, और विजयपद वाले बैच वाले कितने हैं जल्दी से कमेंट करना जरा। BD की माँ है, CD का भाई है, EB की बेटी है, HE की बेटी है, ED की पत्नी है, ई का सी से क्या संबंध होगा, ई का सी से क्या संबंध होगा, मतलब फ्रॉम द यू नो 7 ओशन, 7 समुंदर, मैं बोलना नहीं चाह रहा, 7 समुंदर पार से आए हैं। अच्छा 7 समुंदर पार, मतलब आप देख रहे हैं क्या बेहतरीन चीजें। आइए, BD की माँ है भाई, BD की कौन है माँ, तो ध्यान रखना बेटा जो माँ है वो ऊपर आएंगी, और माँ के ऊपर निगेटिव का साइन बनेगा, है ना, माइनस का साइन लगेगा। फीमेल के लिए आप 2 साइन यूज कर सकते हो, या तो गोला या फिर आप माइनस के लिए, और मेल के लिए बेटा आप या तो ट्राइंगल का साइन यूज करो या प्लस का। तो BD की माँ है, और आगे आ जाइए, BDG की जो है वो माँ है, भाई साहब आइए, BD की माँ है, बन गई मैं मम्मी जी। आगे CD का भाई है, अच्छा देखो जरा ध्यान से, अभी CD का भाई है तो C के ऊपर प्लस हो गया, लेकिन D का पोजीशन नहीं पता, कि D की जो जेंडर है वो नहीं पता चल पा रहा है, D पॉजिटिव है या नेगेटिव। आगे आइए, HE की बेटी है, अच्छा जी HE की बेटी है, आगे आ जाओ, DE की पत्नी है, तो D जो है वो E की पत्नी, जी हाँ गई, अगर DE की पत्नी है भाई साहब, DE की अगर पत्नी आ गई ना,
तो ध्यान रखना इनके बीच में ये हो जाएंगे युग्म, युग्म का मतलब ये हो जाएंगे हस्बैंड, हसीबंद इनकी डी भाई, अगर ये पत्नी है तो ये क्या होगा, पति, सीधी सी बात है, और कोई संबंध तो हो नहीं सकता। और ये सी पहले से ही आ रहे थे जी, सी कहेंगे ई आ रहा, ठीक है ठीक है, रुक जाओ जरा, यहाँ पर एक लाइन और बोली हुई थी ना, एच ई की जो है बेटी है, तो एच आ जाएगा यहाँ। तो ध्यान रखना भाई, अगर ये पत्नी है तो ये पति होगा, और कोई तो संबंध हो नहीं सकता। आजकल थोड़ा अलग अलग भी हो रहा है, पत्नी पत्नी भी हो रही है, पति पति भी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पति पत्नी जो है फिक्स होते हैं कि अगर एक पत्नी है भारतीय संस्कृति के हिसाब से, तो ये मैं उनका विरोध भी नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है कि भाई मैं सपोर्ट में ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो आंसर दोगे, अगर ये पत्नी है तो ये पति ही होंगे, और इनका युग्म होंगे, युग के बीच में आपका प्लस का साइन बना लेते हैं, ऐसे करके ध्यान रखना। ई का सी से संबंध क्या होगा यार, ई का सी से क्या संबंध होगा, जरा देखो, ई का सी से क्या संबंध होगा, ई का सी से संबंध क्या होगा, जल्दी से बताओ, ई का सी से क्या संबंध होगा, ई का सी से क्या संबंध होगा, ई का सी से क्या संबंध होगा, अच्छा डी ई की पत्नी है, उल्टा बोला हुआ है यार भाई, रुक जाओ जरा एक मिनट, डी ई की पत्नी है बेटा, डी ई की पत्नी है, तो डी ई की पत्नी है मतलब डी प्लस डी आपका माइनस होगा, ध्यान रखना, ठीक है बाबू। अब ये कॉन्सेप्ट सही है, अब देखो जरा बोला हुआ है क्या, ई का सी से क्या संबंध होगा, तो बहन का पति बहनोई कहलाता है, बहनोई कहलाता है, बड़ा मतलब अच्छा रिश्ता होता है बहनोई, है ना, बहनोई इसका आंसर हो जाएगा, बहनोई है ना, बहनोई हो जाएगा, ठीक ठीक है, डन। चाचा कोई बात नहीं गोलू, परेशान ना हो, कह रहा है कि सर मेरा सिलेक्शन बहुत ही कम अंकों से रह गया, तुझे मैं बताऊं कि मैं एक स्टोरी बताऊंगा अभी तुझे मोटिवेट करने के लिए, बिलीव मान, मैं अभी एक स्टोरी बताऊंगा, तुझे बताना है दो बिंदुओं के साम वाला, दो बिंदुओं के कौन सा विपरीत सतह होगी, दो बिंदुओं के विपरीत सतह कौन सी होगी, जल्दी से बताना है, दो बिंदुओं के विपरीत सतह कौन सी होगी, जल्दी से बताओ बाबू, दो बिंदुओं के विपरीत सतह, दो बिंदुओं के विपरीत सतह, जल्दी से बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताइए, दो बिंदुओं के विपरीत सतह कौन सी होगी, जल्दी से बताओ, दो बिंदुओं के विपरीत सतह, जल्दी से बताइए क्या आएगा, इजी सा क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, चलो, डाइस नहीं आता, अरे मेरे चीते, तभी तो मैं लाया हूं ये सेशन, इसमें सभी क्वेश्चन है भाई साहब, आइए, दो बिंदुओं के विपरीत सतह, बाबू ध्यान रखना, दो बिंदुओं के विपरीत सतह, इसमें पहले टू कॉमन ट्रिक देखा करो कि तीन और पांच वाले का ही है, तीन पांच नहीं बनना, तीन पांच नहीं बनना, तीन पांच नहीं बनना, तो आप क्या काम करो, करो कॉमन देखा करो, एक एक आ रहा है तो आप पकड़ के घुमा लो एक एक को, बाबू वन कॉमन ट्रिक लगा लो, फ्रॉम द डाइस थ्री, फ्रॉम द डाइस थ्री यू विल गेट वॉट भाई साहब, सबसे पहले एक डॉट, फिर उसके बाद में है दो डॉट, फिर उसके बाद में है भाई साहब तीन डॉट, एक दो तीन, फ्रॉम द डाइस फोर, फ्रॉम द डाइस फोर भाई साहब, फ्रॉम द डाइस फोर कितना आ रहा है, एक डॉट, फिर उसके बाद में भाई साहब छह डॉट, कितने डॉट हैं जी, छह डॉट हैं, और अंत में है जी चार डॉट, कितने डॉट हैं, चार, जो जिसके विपरीत आ गया वो उसका आंसर होता है, इसके विपरीत दो के विपरीत आ गया भाई साहब छह, तो छह इसका आंसर हो जाएगा, सिक्स विल बी द राइट आंसर, कैसा लगा, डी आंसर सही है, सबास मेरे चीतो, डी आंसर सही है, इस जादुई आंकड़े को जरा पूरा करा दो, संख्या आज कम से स्टार्ट हुई थी लेकिन आते आते तुमने मेरी इज्जत जरूर बचा ली, रोज 10 बजे आ जाया करो रोज, और ये लिखा हुआ भी है जी 10 बजे सुनील, रोज 10 बजे जो है आ जाया करो, सभी साथी एक बार बताओ, डाइस बाबू खुला पासा है ये, खुला प्रसारित पासा जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रसारित पासा, दिखाई दे रहा है या नहीं तुम्हें एक बार बताओ, अरे ओहो समय हो गया है, आज के लिए हम लोग यहीं पर ही रखते हैं क्लास को, क्योंकि इसका आंसर तुम्हें घर से करके लाना है, इसका और इसका आंसर तुम्हें घर से करके लाना है भाई साहब, दोनों क्वेश्चन के आंसर घर से करके लाने, मैथ्स की क्लास अमित सर के द्वारा स्टार्ट हो गई है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर, खुश रहिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों का आदर कीजिए, प्यार बनाए रखें, बाय।